जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग सब लोग ठीक ठाक हो गए। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर नितिन मिश्रा। हम पढ़ रहे हैं आपका पृथ्वी पाठ में लैंगिक जनन, जो कि आज का चौथा लेक्चर है। हम पिछले तीन लेक्चर हम क्लियर कर चुके हैं और तीन लेक्चरों में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, इसलिए आज हम चौथा लेक्चर है जो आज हम पढ़ेंगे। परागकण क्या होता है, उसकी संरचना पढ़ेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो जो हमने पिछले लेक्चर हमने समाप्त किए हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होंगे सारे लेक्चर, आप लोग आसानी से उन्हें देख लें और बढ़िया से तैयारी करें। अभी हमारे पास परागकण की संरचना का देखना होगा और परागकण क्या होता है ये हम देखेंगे। तो मैं इसी के साथ बता देता हूँ कि जो हमने कल पढ़ा था वो क्या हमने पढ़ा था, उसके साथ फिर मैं आगे बढ़ूंगा परागकण क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए हैं तो वो आप पिछले लेक्चर पढ़ लीजिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसा कि पिछले लेक्चर जो था, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, पराग चतुष्क बनता है। ठीक है, पराग चतुष्क बनता है, उससे समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग चतुष्क बनता है। इसमें मतलब चार लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। तो कैसा होता है हमारा पराग चतुष्क? कुछ इस प्रकार से पराग चतुष्क होता है। ठीक है, एक पीछे इसके बताई थी ना मैंने, एक पीछे थे। तो ये हमारा जो पराग चतुष्क होता है, पराग चतुष्क ये क्या होता है हमारा पराग चतुष्क, ये उसमें होता है। पर इसमें जो हमने बताया था कि जो पराग परागकोश स्फुटित होता है, मतलब फटता है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, परागकण का स्फुटन होता है। तो जो परागकण स्फुटन होता है तब ये क्या होते हैं, इनमें ये जो किसके किसके कारण चिपके होते हैं, मैंने बताया था ये केलोज, केलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। किसके द्वारा? केलोज, जो केलोज होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके द्वारा चिपके होते हैं। ठीक है, केलोज कार्बोहाइड्रेट द्वारा ये चिपके रहते हैं आपस में। ये चारों जो परागकण होते हैं आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, केलोज कार्बोहाइड्रेट द्वारा। तो अब ये क्या होता है, जब इनका स्फुटन होता है, वहां से परागकोष से स्फुटन होता है, परागकोष फटता है तो ये बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है वहां पे टेपिटम हमारी जो होती है, टेपिटम वह एक केलेज एंजाइम स्त्रावित करती है। क्या करती है? केलेज एंजाइम स्त्रावित करती है, जिससे क्या होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम स्त्रावित करती है? केलेज। ठीक है भाई, केलेज एंजाइम स्त्रावित करती है। अब केलेज एंजाइम जब स्त्रावित करती है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कितने होते हैं यहाँ पे? पराग चतुष्क जो होता है, ये पराग चतुष्क, क्या कहा था मैंने इसका नाम, पराग चतुष्क। ठीक है, ये क्या होता है, पराग चतुष्क। पराग चतुष्क जो होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसमें चार जो लघु बीजाणु होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और जब ये अलग होते हैं तो इन्हें लघु बीजाणु फिर नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, परागकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागकण। तो मैं यहाँ पर चार ना बनाकर एक ही बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कितने होते हैं? चार होते हैं। तो परागकण हमारा कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा परागकण होता है, सामान्यतः तो वो गोल आकार का होता है, लेकिन उसकी जो बाह्य संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार के होती है। वही बता रहा मैं, जो हम मतलब स्कूल में हमारे जो लगे हुए होते हैं माइक्रोस्कोप, उनसे हमें इतने बढ़िया से नहीं दिखाई देता सूक्ष्मदर्शियों से, और जो मतलब वैज्ञानिकों के पास होते हैं उनमें बढ़िया सा दिखाई देता है, जो इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है भाई, इस प्रकार की संरचना हमें पाई जाती है। तो क्या हमें दिख रहा है, ये कांटेदार संरचना दिख रही है, कांटेदार संरचना दिख रही है, बाहर से थोड़ा मतलब खुरदरी दिख रही है ना, और इसमें अंदर से बढ़िया से दिख रही है गोल टाइप की। तो हम क्या बोलते हैं, परागकण तो होते तो गोल ही हैं, क्या होते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन क्या होता है इनमें, क्या होता है इनकी दो भित्ति होती है, दो चोल होते हैं, दो परते होती है। ठीक है, तो दो भित्ति वो कौन कौन सी होती है, दो भित्ति होती है, दो परते या भित्ति बोल सकते हो। ठीक है, परते भित्ति या चोल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, भित्ति या चोल, जो पहली होती है वो क्या होती है, वो बाह्य चोल, उसका नाम होता है बाह्य चोल। ठीक है भाई, पहली जो होती है उसका नाम होता है बाह्य चोल। ठीक है, और दूसरी का क्या नाम होता है, दूसरी का नाम होता है अंतः चोल। क्या होता है? अंतःचोल, अंतःचोल।
अब चोल का मतलब क्या होता है? चोल का मतलब वही काय, उनका शरीर जो होता है वही होता है चोल, मतलब हमारी जो परतें होती हैं वो चोल कहलाती है, ठीक है। तो क्या होता है अंताचोल, बायचोल। तो ये जो बायचोल होती है भाई, ये कठोर होती है, कांटेदार होती है। कांटेदार मतलब इसमें कांटे नहीं होते, लेकिन उनकी संरचना देखो कांटे की तरह है ना, तो यहां पर ये क्या होगी, ये कठोर होती है, ठीक है भाई। यहां पर ये क्या है, कठोर है, ये कठोर है, कांटेदार है, कांटेदार बोल सकते हैं, पर कांटेदार और कांटेदार कठोर है, कांटेदार है, और क्या है, दृढ़ है। दृढ़ मतलब मजबूत है, कठोर मजबूत, ठीक है, मजबूत है, ये मजबूत भी है, ठीक है। ले और इसमें क्या पाया जाता है, इनमें जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जनन छिद्र। जनन छिद्र बोले तो देखो यहां पर जो मतलब कहीं कहीं जगह बची हुई है, मैंने वहां पे नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, यहां पे जगह जो बची हुई है इसे बोलते हैं जनन छिद्र। यहां पर क्योंकि ये जो कठोर है, कठोर है भाई, अब यहां से जो पराग नली निकलती है वो मैं आपको बताऊंगा पराग नली क्या होती है। जो पराग नली निकलती है तो अगर भाई कोई भी कठोर चीज है, अब स्पोरोपोलिनी से बनी होती है, किससे बनी होती है, बायचोल किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनी से बनी होती है, ठीक है। मैंने बताया भी था जो स्पोरोपोलिनी होता है बहुत कठोर पदार्थ होता है, वो किससे, एंजाइम किसी प्रकार के लवण किसी प्रकार के क्षार अम्ल से भाई अपने आप को, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर भाई पराग नली का निकलेगी तो निकलेगी कहां से, इसलिए प्रकृति ने अपने आप से ही बना रखा है कि भाई यहां पर जो होते हैं उनके छिद्र बने होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बनते हैं, ठीक है, जनन छिद्र बोलते हैं। तो यहीं से हमारी पराग नली का निकल जाते हैं और फिर हमारा प्राकर निकल जाते हैं, ठीक है, नर युग्मक निकल जाते हैं। तो यह क्या होता है, कठोर तथा कांटेदार तथा मजबूत होती है, या स्पोरोपोलिनी से बनी होती है, ऐसे लिख देंगे, स्पोरोपोलिनी से बनी होती है, स्पोरोपोलिनी। स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। और ये जो अंताचोल होती है भाई, अंताचोल क्या होती है, अंताचोल जो हमारी होती है वो क्या होती है, पेक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेक्टिन से, पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, किससे, पेक्टिन और सेलुलोज, पेक्टिन। पेक्टिन और सेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, या मुलायम होती है तथा पतली होती है, या कैसी होती है, मुलायम होती है। आप हेडिंग डालकर बढ़िया से बनाइएगा, एक एक काउंट करके नंबर, ऐसे लिखेंगे या पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, या मुलायम होती है, या पतली होती है, बड़े बड़े सेंटेंस बनाइए तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, मुलायम तथा पतली होती है, ठीक है भाई। तो ये क्या होती है, मुलायम भी होती है पतली भी होती है, और इसमें जनन छिद्र नहीं पाया जाता। बायचोल में जनन छिद्र पाया जाता है, यहां पे लिखिएगा एक बार फिर से लिखिए, यहां पे बायचोल जो है यहां पे जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र उपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारी अंताचोल है इसमें क्या होता है, जनन छिद्र उपस्थित नहीं होता है, जनन छिद्र नहीं होता, जनन छिद्र नहीं होता है, क्या नहीं होता, जनन छिद्र यहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, यहां पे अंताचोल तथा बायचोल से बनी होती है, ये जो प्राकण होता है हमारा अंताचोल तथा बायचोल से बना होता है, बायचोल क्या होती है, अंताचोल क्या होती है, हमने बता दिया, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, जो हमारा जो प्राकण स्फुटन होता है, यहां पर जो प्राकण का स्फुटन होता है हमारा, जो प्राकण चतुष्कोण फटता है, जो प्राकण हमारे स्फुटन होता है, तो हमारा जो प्राकोष होता है वो फट जाता है। तो उसके पहले जैसे फटने वाला होता है ना, तो वो कृत्रिम रूप से क्या करता है, अपने आप को विकसित करता है। तो ये प्राकण है, ये क्या करेगा, दो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो प्राकण होता है वो क्या समसूत्री विभाजन करता है, किससे, जब प्राकोष जब फटने वाला होता है उसके पहले ही अपने आप को विकसित कर लेता है और क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। तो यहाँ पर जो प्राकण होता है वो क्या करता है, जैसे कि प्राकण है हमारा, ये जब विकसित होने वो होता है, फटने वाला होता है प्राकण स्फुटन में, आप अपने आप को विकसित कर लेता है और क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, कितने में, दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तो एक तो भाई ऐसी होती है छोटी छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका, ये खुद बड़ी कोशिका है,
ठीक है, ये यहाँ इसका केंद्रक, ये इसका केंद्रक, ये इसका केंद्रक, तो ये क्या होती है, ये परागकण हमारा, क्या परागकण, ये परागकण, और ये हमारा क्या है, केंद्रक है, काय कोशिका का केंद्रक, ठीक, काय कोशिका का केंद्रक है, ये क्या हमारी जनन का, जनन कोशिका है, क्या है हमारी जनन कोशिका, तो जनन कोशिका क्या होती है सबकी, जनन कोशिका, यहां पे जनन कोशिका जो है, जनन कोशिका, जनन कोशिका, तो यहाँ पे जो जो हमारी जो कायिक कोशिका होती है, क्या होती है, कायिक कोशिका, ठीक है भाई, ये कायिक कोशिका जो होती है, कायिक कोशिका, वो बड़ी होती है, कैसी होती है, वो बड़ी होती है, विशालकाय होती है, उसके हमारा जो जनन कोशिका है उसके मुकाबले बड़ी होती है, तथा या इसका जो केंद्रक होता है अनियमित होता है, इसका जो केंद्रक होता है अनियमित होता है, मतलब उसका ऐसा भी आकार हो सकता है, कैसा भी आकार हो सकता है, और इसमें बहुत सारा जीव द्रव भी भरा है, जीव द्रव भी भरा हुआ है, ये बड़ी है, तथा ये जो जनन जनन कोशिका है ये छोटी है, जनन कोशिका क्या है, छोटी है, और ये क्या करती है, इसके कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है, कैसे करती है, घूमती रहती है भाई, क्या होती है, कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है, किसके, कायिक कोशिका के, ठीक है, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका जो होती है घूमती रहती है। अब यहाँ पर हम जैसे कि कोई ऐसी बात करते हैं, अगर भाई किसी चीज को हमने बताया तो उसका कुछ महत्व तो होगा ही, ऐसे फालतू में तो हम कोई चीज बताएंगे नहीं, इसलिए इसका महत्व यह है कि जो हमारी ये जो कायिक कोशिका है, इस ये क्या काम करती है, ये काम करती है कि जो हमारी पराग नलिका होती है उसको निकालती है, पराग नलिका, यहां से हमारी पराग नलिका निकलती है, यहां से, लेकिन निकालता कौन, जैसे ये जहां पर तुम्हारे ये जनन छिद्र दिख रहे हैं ना, यहीं से पराग नलिका निकलेगी, लेकिन यहां से निकालता कौन है, कायिक कोशिका निर्माण करती है, कायिक कोशिका निर्माण करती है, किसका, पराग नलिका का, और जनन केंद्र क्या निर्माण करता भाई, जनन केंद्र क्या निर्माण करता है, पहले तो हम ये देख ले कायिक कोशिका का काम, कायिक कोशिका, ठीक है भाई, कायिक कोशिका का क्या काम होता है, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका जो हमारी होती है वो क्या करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है, पराग, पराग नलिका, नलिका बनाती है, ठीक है भाई, और जो हमारी जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका ये क्या करती है, हमारी जो जनन कोशिका है, अब जो कायिक कोशिका तो भाई पराग नलिका का निर्माण करती है, जनन कोशिका करती है नंबर एक, और नंबर दो, जनन कोशिका जो होती है वो क्या करती है, नरयुग्मक का निर्माण करती है, इसी से नरयुग्मक, ये दो नरयुग्मक का निर्माण करती है, जनन कोशिका, कोशिका दो नरयुग्मक बनाती है, नर, ठीक भाई, युग्मक बनाती है, क्या करती है, दो नर युग्मक बनाती है, अब यहाँ पे जो जनन कोशिका है दो नर युग्मक बनाती है, कायिक कोशिका क्या करती है, पराग नलिका निर्माण करती है, तो ये वाली जो अवस्था है, ये वाली अवस्था यहाँ पे क्या, कैसी अवस्था होगी, यहाँ पे क्या द्विकोशिक अवस्था होगी, अगर हम उसे कोई पूछे कि मतलब हमारा क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में कि भाई जो हमारे जो परागकण होता है वो कौन सी अवस्था होती है, मतलब उसका स्फुटन कौन सी अवस्था में होता है, तो जो हमारा 60% है परागकण का, परागकण का, परागकण बोल लो या पराग कोष बोल लो, क्योंकि स्फुटन तो दोनों का होना है, पराग कोष, का स्फुटन 60%, जो 60% होते हैं, 60% पौधों में जो होता है वो द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, 60% पुष्पों में, पुष्प बोल लो या पौधे बोल लो, पुष्पों में द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, कितनी, द्विकोशिकीय, द्विकोशिकीय, और जो हमारे 40% बच्चे कितने भाई, 100% ही होता है ना भाई, इसके ऊपर तो नहीं होता ना, द्विकोशिकीय अवस्था होती है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आता है, इंपॉर्टेंट है, द्विकोशिकीय अवस्था होती है, और जो हमारे बचे हुए 40% है वो कैसे होती है, वो त्रिकोशिकीय अवस्था बोलते हैं, हमारी एनसीईआरटी में त्रिकोशिकीय अवस्था लिखी हुई है,
वरना कहना तो नहीं चाहिए पर हाँ कह सकते क्योंकि एनसीईआरटी में जब लिखी पड़ी है तो हमें कहना होगा। और दूसरी बात, जब ये 40% की क्या होती है, त्रिकोशिकी होती है, ठीक है, त्रिकोशिकी। अब वो भी बताता हूँ वो कैसी होती है, ठीक है भाई, त्रिकोशिकी होती है। त्रिकोशिकी होती है, अब त्रिकोशिकी का कि यहाँ पे तो भाई दो कोशिका है, एक तो भाई जनन कोशिका, एक क्या हो गया कायिक कोशिका। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ जो 40% के पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो कायिक जनन कोशिका है, ये क्या है, जनन कोशिका। जैसे यहाँ पर हमारा, यहाँ पे हमारी ये जो कायिक कोशिका हो गई, ये इसका केंद्रक हो गया भाई, अनियमित होता है या कैसे भी आकार का हो जाता है, इस आकार का मान लो, ठीक है भाई, ये केंद्रक। ये हमारी जनन कोशिका जो होती है ये क्या करती है, आग जब हम पराकर स्फुटन हो जाता है, वैसे तो जब पराकर स्फुटन हो जाता है तब ये करती है, क्या करती है, नरयुग्मक का निर्माण। जब नरयुग्मक का निर्माण करेगी तब इसको क्या बोलते हैं, पराकर स्फुटन के बाद करती है। लेकिन 40% पौधों में क्या होता है कि ये अंदर ही दो नरयुग्मक का निर्माण कर लेगी, स्फुटन के पहले ही नरयुग्मक का निर्माण, नरयुग्मक उसी में बना देती है, ठीक भाई, उसी में नरयुग्मक बना देती है, दो नरयुग्मक बन जाते हैं, दो नरयुग्मक। तो यहाँ पर कितनी हो गई, एक तो ये कोशिका हो गई, एक इसकी कोशिका हो गई भाई नरयुग्मक की, दो नरयुग्मक है ना, तो एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या हो गया, तीन कोशिकी बोलेंगे अब इसको, ठीक है भाई, तीन कोशिकी। तीन कोशिकी होता है, क्या होते भाई, तीन कोशिकी होते, तो यहाँ पर इसे हम तीन कोशिकी बोलेंगे और यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, द्विकोशिकी बोलेंगे, ठीक है। तो आपको लोगों को इतना समझ में आया ये क्या होता है, ठीक है भाई, यहाँ पर तीन कोशिकी या द्विकोशिकी, ये वाले इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा ही, ये आपको पूछा जाता है कि पराकर स्फुटन के समय वो कौन सी अवस्था होती है, तो द्विकोशिकी अवस्था होती है 60% पौधों में, और 40% में क्या होती है, तीन कोशिकी अवस्था होती है, वो भी बता दिया कैसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, पराकर की संरचना हमने पढ़ ली भाई, पराकर की संरचना क्या होती है, पराकर क्या होती है, ठीक। अब पराकर का मतलब हमारा क्या मतलब होता है, वैसे तो भाई पुष्प के लिए बहुत भाई लाभकारी है क्योंकि उनके द्वारा ही जनन होता है भाई, पराकर के द्वारा ही। अब वैसे हमारे लिए और किस रूप में जो हमारे उपयोग में आते हैं तो हम अभी देखते हैं दूसरे, तब तक आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी मैं दो और आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक तो होता है पराकर एलर्जन, क्या होता है, मतलब पराकर से एलर्जी भी होती है जो खुजली उजली होने लगती है शरीर में, और एक होता है पराकर के आहार जो हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक है, प्रोटीन युक्त होते हैं, ठीक है, वो विटामिन होते हैं, वो हम देखेंगे। पहले स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे पराकर एलर्जन। सबसे पहले क्या देखेंगे, पराकर एलर्जन। वैसे तो पराकर में कोई भी ऐसी मतलब सिस्टम नहीं होता कि मतलब पराकर के एलर्जी वो हमारे लाभदायक ही होते, बल्कि हमारा जो हमारा सुरक्षा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, वो ऐसे सिम्टम्स यूज करता है कि जैसे कि उसे लगता है भाई कि कोई दूसरा अन्य हमारे खतरे के लिए आ गया है। तो जैसे कि हम अगर हमारे कहीं सांप काट लेता है, अगर आपको को पता होगा कि आपको कहीं सांप काट ले, आप डॉक्टर के पास जाओ और उसने पूछा कि आपको सांप काटा है, तो आपने अगर कह दिया हाँ काटा है, तो वो ऐसे जहर वाली मतलब उसका जो प्रतिरोधी जहर होता है वो वाला इंजेक्शन आपको लगाएगा। अगर सांप ने आपको नहीं काटा है, माना वहां पे सांप को ने आपको नहीं काटा, लेकिन हमने कह दिया सांप ने काटा है, तो वहां पर क्या होगा, आप वहां पर उस दवाई के कारण मर सकते हैं, ठीक है, उस दवा के कारण मर सकते हैं अगर सांप ने नहीं काटा, क्योंकि वो हम पे साइड इफेक्ट डाल सकता है। वही वाला काम इस पे होता है कि जो हमारे पराकर होते हैं वो हमारे लिए होते तो लाभदायक है, लेकिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या करता है कि उसे लगता है भाई हमारे लिए हानिकारक है, तो क्या करता है, साइड इफेक्ट डालता है, अपने मतलब इम्यून सिस्टम से ऐसी चीज उत्सर्जित करता है जो उसको मारने के लिए होती है, लेकिन वहां पर वो उसके लिए लाभदायक चीज होता है, तो वहां पे साइड इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है, हमारे एलर्जी होने लगती है, हमारे खुजली होने लगती है शरीर में। तो यहाँ पर वो चीज होती है एलर्जन, तो जिसे क्या बोलते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, हमारा परागकण एलर्जन, परागकण एलर्जन क्या होता है, ठीक है भाई। पराकर एलर्जन,
तो वही मैंने अभी बताया क्या होता है पराकण एलर्जन। पराकण एलर्जन होता है जो हमारे मतलब साइड इफेक्ट होता है वो ये हमारा पराकण एलर्जन होता है। उससे हमें हमारी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो पहचान नहीं पाता हमारे लिए सही है या गलत है और वो अपने साइड इफेक्ट चालू कर देता है, इसलिए हमारे अंदर खुजली होने लगती है। तथा ये इसके इसमें क्या होता है पराकण एलर्जन के कारण क्या होता है भाई कि हमें कौन सी बीमारी होने लगती है पराकण एलर्जन के कारण। पराकण एलर्जन एलर्जन के कारण क्या होता है भाई हमें अस्थमा हो जाता कारण अस्थमा अस्थमा तथा शोथ और मतलब श्वास में प्रॉब्लम हो जाती है श्वास में प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है भाई समझ तो आप गए होंगे। नोट्स में आपको बहुत बढ़िया से प्रोवाइड कराऊंगा जो उसमें बढ़िया सी परिभाषा उसकी लिखी होती है। ठीक है लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसमें एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए कि जो हमारी जो मतलब आयातित गेहूं होते हैं जो हमारे मंगवाए जाते हैं दूसरों देशों से या दूर दूर से आते हैं ना तो उसके साथ में गेहूं के साथ में गाजर घास जिसका साइंटिफिक नाम है पार्थेनियम गाजर घास। ठीक है भाई गाजर घास भी आती है उसके कारण श्वास का बहुत हमारे प्रभाव पड़ता है उसी के कारण हमारे में अस्थमा अस्थमा जैसी बीमारी होती है। ठीक है गाजर घास जिसका नाम है पार्थेनियम बोलते हैं ये आपको याद रखना होगा। हालांकि अभी तो आया नहीं है पर आ भी सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है पार्थेनियम जब इसका नाम भी बता रखा है तो इसके कारण क्या होती है एलर्जी हमें होने लगती है। ठीक है भाई इसके कारण हमारे एलर्जी होने लगती है और क्या होता है मतलब कि पराकण एलर्जन तो मैंने बता दिया क्या होता है और इसके बाद जो होते हैं गाजर घास पार्थेनियम एलर्जी ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या देखा था पराकण जो आहार होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है भाई पराकण आहार क्या होते हैं और हाँ एक बात बता जो पराकण होता है उसका पराकण तो होता है भाई लेकिन उसका व्यास कितना होता है वो कितना बड़ा होता है तो परागकण का जो व्यास होता है परागकण का व्यास मतलब व्यास कितना बड़ा होता है वो तो गोल होता है और जो गोल होता है तो उसका क्या होगा व्यास होगा तो वो कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है ये हेडिंग डालते रहो यहां पर माइक्रोमीटर होता है किसी किसी में 25 से 30 भी लिखा होता है लेकिन हमारी एनसीईआरटी में 25 से 50 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है और इसका पराकण जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है तथा गोल होता है और क्या होता है कि सबसे बड़ा पुष्प में कौन सा पराकण है सबसे बड़ा जो है वो जोस्टेरा है। क्या है जोस्टेरा का जो पुष्प होता है वह सबसे बड़ा पराकण उसमें पाया जाता है जोस्टेरा का पुष्प में और सबसे छोटा किसमें होता है जैसा कि मैंने क्या कहा कि जो सबसे बड़ा पराकण होता है वो जोस्टेरा पुष्प का क्या होता है किसका सबसे बड़ा पराकण और सबसे छोटा पराकण क्या किसका होता है मायोसिटस किसका मायोसिटस पुष्प सबसे छोटा पराकण होता है मायोसिटस का होता है। ठीक है अब यहां पर मायोसिटस का पराकण होता है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ पर जो हमारे पराकण होते हैं उनका जनन क्षमता कितनी देर तक रहती है वो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं ऐसे तो हम जो गेहूं के हमारे दिखाए गए हैं गेहूं के जो हमारे पराकण होते हैं वो आधे घंटे 30 मिनट में अपनी जनन क्षमता खो देते हैं लेकिन जो सोलेनेसी इंपॉर्टेंट है भाई सोलेनेसी और रोजेसी के जो पुष्प होते हैं
सोलेनेसी और रोजेसी के पादपों के जो पुष्प होते हैं, सोलेनेसी रोजेसी रोजेसी के जो पुष्प के होते हैं परागण, वो कई महीनों तक, लगभग एक महीना डेढ़ महीना ऐसे मान लेते हैं, तो महीनों तक जीवित रहते हैं, महीनों महीनों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, ये जाते हैं और इनका जब मन करता है तो ये बैठकर वहां पे परागण, अपना जो पराग होता है परागण कर लेते हैं। ठीक है, महीनों तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो गेहूं के होते हैं, गेहूं का ये हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ दिखा है, तो हम बता देता हूं क्योंकि आ भी सकता है। गेहूं का जो होता है, गेहूं का पौधा, उसमें जो परागकण होते हैं वो 30 मिनट में अपनी क्षमता खो देते हैं, जनन क्षमता। ठीक, जनन क्षमता क्षमता खो देते हैं, खो देते हैं। ठीक है भाई, कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, कौन से कितने महीने तक मतलब दे सका जीवन जीवन क्षम होते हैं तथा अपने जनन क्षमता खो देते हैं, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, परागकण जो होता है हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है, आहार के रूप में लाभकारी है तो कैसे होता है, ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं मिटा दूंगा इसे। ठीक है, जो ये हमारा परागकण आहार है वो क्या है और हमें किस प्रकार से लाभकारी है। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। परागकण आहार, ठीक है, जो हमारा परागकण आहार है वो हमारे, उसमें क्या परागकण में क्या पाया जाता है, विभिन्न प्रकार का प्रोटीन पाया जाती है, विटामिन पाए जाते हैं तथा लिपिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं परागकण में, विभिन्न प्रकार के पराग कण में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, क्या प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, जिनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा, जिनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनमें अपने अपने लाभ के लिए रूपांतरित कर, जिनको जिनको इनको डायरेक्ट नहीं लेते हम, ये नहीं सोचना कि हम डायरेक्ट लेते हैं, जिनको रासायनिक हमारी लैब में इनकी मात्रा चेक की जाती है तथा उनमें कोई दूसरी भी चीज मिलाई जाती है फिर हम उसको आहार के रूप में लेते हैं, जिनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा द्वारा अपने लिए सुरक्षित करते हैं और अपने लिए उपयोगकारी बनाते हैं, अपने लिए उपयोगी बनाकर प्रयोग करते हैं। अब इस पर प्रयोग किससे क्या होता है, ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए किए जाते हैं, ये हम देख सकते हैं। जो हमारे रेसलिंग के, जो हमारे जैसे WWE रेसलिंग की हमारी जो होती है उसमें प्रयोग किए जाते हैं, जो हमारे प्लेयर होते हैं वो इसका लेते हैं, उसकी टेबलेट आती है बी पोलन, कुछ नाम बी पोलन के नाम से टेबलेट होती है, बी पोलन टेबलेट, बी पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन, शायद पोलन ग्रेन टेबलेट होती है, ऐसे टेबलेट आते हैं जिनका काम करते हैं। और जो धावक घोड़े होते हैं, घोड़े होते हैं ना, घोड़े जो मतलब रेस वाले घोड़े होते हैं, यूज
यूज। तो नंबर दो, जो धावक होते हैं घोड़े, ठीक है, धावक और घोड़े जो रेसिंग वाले घोड़े होते हैं उनको खिलाया जाता है जिससे उनकी रेस की रफ्तार बढ़ती है और उनमें विटामिन तथा लिपिड उपिड की हमें बहुत प्रचुर मात्रा मिलती है, इसलिए हमें ये प्राकृतिक आहार के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज्यादातर इनका उपयोग कर अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाए रखते हैं और अपने मसल्स को बेनिफिट बनाए रखते हैं उनके जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आज प्राकृतिक हुआ टॉपिक खत्म, यहाँ पर हमने आपको प्राकृत के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है आपको, हालांकि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आशा है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। और हम आगे अब देखेंगे अगला टॉपिक जो आने वाला है वो आपको कल बताएंगे। आपके लिए एक सवाल था, आपके लिए सवाल क्या है कि मान लो मैंने प्राग चतुष्क मैंने पढ़ा रखा आपको, प्राग चतुष्क क्या होता मैंने अभी पढ़ाया था, तो क्वेश्चन है जो प्राग चतुष्क हमारा होता है क्या होता है प्राग चतुष्क, ठीक है। तो अगर किसी पुष्प में 12 प्राग चतुष्क हैं, 12, ठीक है, 12 प्राग चतुष्क हैं, तो वो कितने, अगर किसी पुष्प में 12 प्राग चतुष्क हैं तो वह कितनी मात्र कोशिका से बने होंगे। या इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर किसी यदि किसी पुष्प में पुष्प के यदि किसी पुष्प की पुष्प में 12 क्या है हमारी मात्र कोशिका है जिससे क्या पराग चतुष्क बनते थे ना, तो 12 मात्र कोशिका है तो यहां पर अगर 12 मात्र कोशिका है तो यहां पर प्राग चतुष्क कितने बनेंगे मात्र कोशिका से ही प्राग चतुष्क बनते थे तो यहां पर प्राग चतुष्क बनेंगे, ठीक है। चतुष्क बोले जो 4 प्राकड़ एक में चिपके होते हैं वो प्राग चतुष्क होते हैं, मैंने बताया था ना। तो यहां 12 मात्र कोशिका है तो कितने प्राग चतुष्क बनेंगे, ठीक भाई, चतुष्क बनेंगे। हमारे कितने प्राग चतुष्क बनेंगे इसके ऑप्शन में दे देता हूं, 12, नंबर 2 6 और नंबर 3। नंबर 3 जो है 48, नंबर 4 6, इनमें से आपको बताना है इसमें से आपको कितने बनेंगे, ठीक है। यदि किसी पुष्प में 12 मात्र कोशिका है तो कितने प्राग चतुष्क बनाएंगे वो मात्र कोशिका है, ठीक है। तो आपको ये सवाल बताना है, आपको कल आंसर पिन पे आ जाएगा, जिसका अच्छा और जिसका सही सवाल का जवाब होगा वो हम पिन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आजकल के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। आप लोगों के लिए ये अच्छी पढ़ाई है, आप लोग बढ़िया से क्लियर कीजिए पढ़ाई अपनी और अच्छी तरह से प्यार से पढ़ाई कीजिए, ना कि कोई स्ट्रेस में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार से पढ़ाई करने के लिए होती है, ना कि स्ट्रेस में पढ़ाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद, अच्छा है आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद।